जैसा कि आप लोगों को पता है कैसे माँ कॉलेज में न्यू एडमिशन के लिए एंट्री होने वाली है, तो इस लिहाज से हम लोग आज आपको गाइड करेंगे कि कैसे एंट्री होंगे और क्या क्या गाइडेंस, और आपको ये भी बताते चलेंगे कि स्टूडेंट्स किस तरह की फीलिंग्स के साथ अपने कॉलेज में एंट्रेंस हो रहे हैं और कितने जज्बे के साथ यहाँ पर एडमिशन ले रहे हैं। बिल्कुल, अब हम आपको कॉलेज के अंदर का व्यू दिखाएंगे और स्टूडेंट्स के बारे में जानेंगे कि स्टूडेंट्स किस तरह से प्रिपरेशन करके एडमिशन के लिए पुरजोश हौसले के साथ आ रहे हैं। और हम खुद इस एसएमला कॉलेज के स्टूडेंट, क्योंकि आप सब जानते हैं एसी ने हमेशा हमेशा आपको और अच्छे वीडियोस के साथ और अच्छे परफॉर्मेंस के साथ आपको ट्रीट किया है। इस तरह हम आपकी खिदमत में एक नई वीडियो शूट करने जा रहे हैं और हम आपको बताएंगे कि एसएमला कॉलेज में किस तरह से एडमिशन लिया जाता है। ठीक है, लेट्स सी टुवर्ड्स मोर फ्रॉम द एसएमला कॉलेज। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एसीए हमेशा आपके साथ साथ रही है और आपको हमेशा पॉजिटिव और रियलिटी की चीज़ों से आगाह करती रही। आज हमारे साथ एसएमला कॉलेज के ही स्टूडेंट्स और मोस्ट सीनियर स्टूडेंट्स, जिनको हम खुद भी बड़े रिस्पेक्ट से पेश आते हैं और स्टूडेंट्स भी बहुत इनकी इज्जत करते हैं, हम भी यही चाहते हैं कि कुछ चीज़ें जो हम अपने सीनियर से सीखें और वो दूसरों को भी सिखाएं। तो मेरे पास आज शहबाज़ भाई और किफ़ायत भाई हैं। शहबाज़ भाई, आज एसएमला कॉलेज में इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए जा रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा स्टेप है, स्टूडेंट्स को इंटरव्यूज़ के लिए बुलाया जा रहा है, फिल्म की क्लेरिफेंस होगी, अच्छे तरीके से एक प्रमोट किया जा रहा है कॉलेज को, तो आप इसके बारे में क्या समझते हैं? और स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं, पुरजोश आ रहे हैं, नई नई फीलिंग्स के साथ आ रहे हैं, बड़ा अच्छा फील कर रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? सबसे पहले तो दाई साहब की बड़ी एफर्ट है, एटलीस्ट कॉलेज को थोड़ा सा स्टेबल किया हुआ है, क्योंकि 2018 की जब जजमेंट आई थी, 2018 के बाद BLLB थर्ड ईयर प्रोग्राम हो गया ख़त्म। बिल्कुल, अभी है सिर्फ 5 ईयर प्रोग्राम, क्योंकि थर्ड ईयर BLLB 2018 में स्टूडेंट मोस्टली बहुत ज़्यादा आते थे, आई थिंक एडमिशन 700-800 स्टूडेंट आते थे, तो कॉलेज में रौनक रहती थी। बिल्कुल, उसके अलावा काफ़ी सीखने को भी मतलब कि मिलता था काफ़ी। देन अभी सिर्फ 5 ईयर प्रोग्राम है, 5 ईयर प्रोग्राम में टोटल 100 स्टूडेंट आते हैं और 100 स्टूडेंट आते हैं माशाल्लाह बेहतर तरीके से, दाऊद साहब ने थोड़ा किया हुआ है उनको, और स्टूडेंट आए हुए हैं, प्रॉपर चैनल से चला हुआ है एडवर्टाइजमेंट, देन अभी जो है ना इंटरव्यू के लिए बुलाया हुआ है और माशाल्लाह इंटरव्यू हो रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता सब स्टूडेंट को बुलाएंगे। सिर्फ ऐसा नहीं है कि कुछ स्टूडेंट आए हुए हैं या सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं उनको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे ना, टोटली ओपन मेरिट पे यहां पे बुलाया जाए, इंटरव्यू लिया जाएगा, इंटरव्यू के बाद देन जो इंटर की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन इंटर की जो मार्कशीट है, मार्क्स हैं उसके आन बिहाफ पे, देन जो डेट है उसकी मार्कशीट है उनके बिहाफ पे जो है ना लिस्ट लगेगी। अच्छा, अब हम किफ़ायत भाई से भी जानेंगे, किफ़ायत भाई इसके मैं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मोस्टली जो स्टूडेंट है यहाँ पे वो बोलते हैं एसएमला कॉलेज का माहौल सही नहीं। अच्छा, शहबाज़ भाई ने यहाँ से माशाल्लाह से यहाँ पे 5 साल दिए और अब भी अपने आप को यहाँ पे सर्व कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए, तो आपने कैसा पाया एसएमला कॉलेज को शहबाज़ भाई, आप क्या क्या फील करते हैं? वैसे माशाल्लाह मैं भी जो भी फील करता हूँ एसएमला कॉलेज की वजह से ही है, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जो भी स्टूडेंट आते हैं, जो पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, वो सेल्फ स्टडी करते हैं। Exactly. और माशाल्लाह इसी वजह से सबसे ज़्यादा से ज़्यादा जजेज हैं वो हमारे कॉलेज के, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा जो बेस्ट वकील है वही हमारे कॉलेज को ही प्रमोट करते हैं, वो SM को ही करते हैं, एसएमला कॉलेज के ही हैं, लेकिन मोस्टली जो स्टूडेंट हैं वो बोलते हैं एसएमला कॉलेज का माहौल सही नहीं है, जहाँ पे आके बच्चों के एग्जाम, हाँ एग्जाम ये वो फीस, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, जो एग्जामिनेशन लेते हैं वो लेते हैं कराची यूनिवर्सिटी वाले, वो उनका फॉल्ट। तो शहबाज भाई मैं तो ये समझता हूँ कि जहाँ भी हमारे पास एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं इश्यूज, तो एफिलिएशन जब आपकी आ जाती है तो मैं समझता हूँ कि एफिलिएशन में टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाता है, ये तो कोई इशू नहीं कहेंगे इसको हम, क्योंकि जब आप किसी चीज़ से एफिलिएटेड हैं जाहिर सी बात है आप खुद डिपेंडेंट हैं, तो यूनिवर्सिटी जाहिर सी बात है 2-3 महीने का तो गैप रखेगी ना, वो रखेगी, लेकिन स्टूडेंट को ये समझाना बड़ा मुश्किल होता है कि ये मसला यूनिवर्सिटी का, क्योंकि ये मसला बोर्ड का है, एग्जाम वगैरह जो भी कंडक्ट करता है बोर्ड करता है कंडक्ट, बाकी यहाँ पे अगर आप लोग ट्यूशन फी दे रहे हो, देन यहाँ पे कॉलेज में पढ़ रहे हो, यहाँ पे प्रॉपर क्लासेज चलती हैं, और माशाल्लाह जो टीचर है यहाँ पे बेस्ट टीचर है, इवन दो सिर्फ मैं बोलूँगा पाकिस्तान में हाईली क्वालिफाइड, सिर्फ पाकिस्तान में नाम नहीं उनका, बड़ी बड़ी लेवल पे नाम है, अगर आप आउट ऑफ कंट्री भी रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस गुलजार साहब यहाँ से पढ़े, गुलजार साहब यहाँ से पढ़ गए, जैसे अभी एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तजा वहाब हैं वो हम यहाँ पे पढ़ा गए, एक जिंदा मिसाल हमारे पास कराची में एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तजा वहाब भी करंटली काम कर रहे हैं, जो कि एसएमला कॉलेज के ही, और उसके अलावा एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं सरवर खान, वो भी रिसेंटली हमें पढ़ा रहे हैं यहाँ पे,
पहले जीरो पढ़ा रहे हैं। यानी कि जितना कहा जाए एक पढ़ने वाले और एक सिंसियर स्टूडेंट के लिए, एक मैं कहता हूँ कि बहुत ही इंतहाई बेहतरीन प्लेटफॉर्म है।